डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए चैप्टर 15 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं वो आपके लिए शो कर रहा हूँ। इसमें भी जो हमारे पास चैप्टर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें 5 मार्क्स के आपको बोर्ड में क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें जो आपके पास कुछ डेरिवेशन है वो बहुत ही कम आता है, और डेरिवेशन जनरली पूछ सकता है आपको मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ट्रांसमिटिंग एंटीना की, कहाँ तक वो ट्रांसमिट कर देगा डिस्टेंस। तो एक ही डेरिवेशन इसमें बनता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं किस तरह के थियोरेटिकल और किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली आता है, और ये एक डिफरेंट तरह से पूछा जाता है। टू ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का जो बेसिक डायग्राम है उसे आपको शो करके दिखाना है। और ये जो उसके ब्लॉक्स होते हैं, ट्रांसमीटर, बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ट्यूनेशन क्या होती है, चैनल क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, इन सबको आपको डिटेल और ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। और सेम ब्लॉक डायग्राम आपका सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बनेगा, लेकिन वहाँ पे जो हम कम्युनिकेशन के लिए जो वेव यूज़ करते हैं वो है स्पेस वेव यूज्ड, बट ब्लॉक डायग्राम इज सेम फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का मैं एक ब्रीफ में आंसर भी शो करना चाहूँगा, वो आप देख सकते हैं। ये है आपके पास ब्लॉक डायग्राम, दिस वन इज़ अ ब्लॉक डायग्राम जो आपको पूछा जा रहा था। तो ये आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं जो कि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद आते हैं आपके पास जो थियोरेटिकली क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, रिपीटर, एम्पलीफायर इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। इनके आपको ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एम्पलीफायर क्या करता है, रिपीटर क्या करता है, इसका आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसड्यूसर एनी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के में चेंज कर देता है। तो ये इस तरह के आपको क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रॉडकास्ट मोड एंड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच। आपको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है वो बताना है, और ब्रॉडकास्ट मोड क्या होता है वो आपको बताना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब बाई ड्राॅइंग सुटेबल डायग्राम ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव मोड ऑफ प्रोपोगेशन। मेंशन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ दीज वेव इन दीज मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन। आपको ग्राउंड वेव बतानी है क्या होता है, स्काई वेव बनानी बतानी है, स्पेस वेव बतानी है, और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्काई वेव क्यों नहीं यूज़ की जाती टीवी ट्रांसमिशन में, ग्राउंड वेव हाई फ्रिक्वेंसी पे क्यों नहीं यूज़ की जाती है। तो ये सब क्वेश्चन भी इसी में से ही ड्राइव किए जाते हैं। तो आपको ये 3 वेव्स की A to Z आपको नॉलेज होनी चाहिए, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव। अगर आपको ये टोटल नॉलेज इन 3 वेव्स की है तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपके पास स्पेस वेव का भी दूसरा नाम आपके पास पता होना चाहिए। स्पेस वेव को हम लोग दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, तो स्पेस वेव, ग्राउंड वेव और स्काई वेव की आपको कंप्लीट नॉलेज रखनी है। इसके बाद आता है आपके पास व्हाट इज लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है क्या, और हाउ स्पेस वेव आर यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। किस तरह से लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में स्पेस वेव को हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। अब ये छोटे छोटे से टर्म है, डिफाइन ऑफ मैक्सिमल यूजुअल फ्रिक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इस पे आपके इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस, ये जो टर्म है इस पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर देख लेना, इसका फॉर्मूला भी होता है वो भी आप देख लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, ये क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर थोड़ा सा ब्रीफ में शो करके आपको बता दूं।
मॉड्यूलेशन, प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेव सो दैट इट वेरीज विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अनदर वेव इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट ए मैसेज। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मॉड्यूलेशन का प्रोसेस क्या है। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन की हमें नीड क्यों पड़ती है, इसका भी आपको रिप्लाई पता होना चाहिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो आपके पास है मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट्स के लिए है कि मॉड्यूलेशन का क्या बेनिफिट से हमारे पास, क्या उसका यूज़ है, वो आपको रिप्लाई देना है। और एक बात ध्यान रखना, आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन अलग है, मॉड्यूलेशन अलग है। तो आपके जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूछे तो आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देनी है, और जब मॉड्यूलेशन पूछे तो आपको जनरली मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देनी है, जैसा कि आपको शो करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल, why is it not possible to use sky wave for transmission of tv signals and why ground wave mode cannot be used for long distance communication using high frequency। jaisa ko aapko maine pehle bata diya tha ki ye sky wave, ground wave, space wave se is tarah ke question puche ja sakte hain, to aap inko achhi tarah se command karna hai। tino waves ki properties hame padhni hai, tino wave ki frequency range hame padhni hai। now next question aapke paas hai, वाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन, क्या रेंज है फ्रिक्वेंसी की। ऑल्सो वाट इज़ द कॉमन बिटवीन दीज वेव्स एंड लाइट वेव, दोनों वेव में क्या कॉमन नेचर है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। जनरली यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है इसमें मैक्सिमम रेंज ऑफ ट्रांसमिटन पूछा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हमारे पास सामने है, ए ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ टावर हैज ए हाइट 45 मीटर एंड द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना इज 80 मीटर, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन इन LOS मोड। आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास हमारे पास जो फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले की हेल्प से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, DM इज इक्वल टू अंडर रूट 2RHT प्लस अंडर रूट 2RHR। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस, आपको मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है रिसीव्ड बाय द अर्थ बाय एन एंटीना ऑफ हाइट h। तो आपको ये डेरिवेशन है, इससे आपको ड्राइव करना है। फिर इसी डेरिवेशन के बेसिस पे आपके पास जो ये न्यूमेरिकल है वो दे रखा है, ए ट्रांसमिट एंटीना 125 मीटर टॉल, हाउ मच सर्विस एरिया कैन दिस ट्रांसमिटिंग एंटीना कवर If receiving antenna is at the ground level, radius of earth is 6400 kilometers। Next आपके पास जो question आता है वो है, define amplitude modulation, draw schematic sketch showing how amplitude modulated signal is obtained superposing a modulating signal over a sinusoidal carrier wave। तो आपको यहाँ पर बताना है amplitude modulation क्या होता है और फिर उसकी वेव्स के डायग्राम्स आपको बनाने हैं। इसका आंसर मैं आपको शो करके भी दिखा देता हूँ। पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल भी कह सकते हैं, कीपिंग फ्रिक्वेंसी फेज कॉन्स्टेंट। तो ये आपके पास फेज मॉड्यूलेशन की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन आपके पास बनी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव कंटेन्स थ्री टर्म्स, द फर्स्ट वन रिप्रेजेंट अनमॉड्यूलेटेड कैरियर and two additional terms which are consequence of modulation, these two terms are lower sideband with frequency fc minus fm and upper sideband with frequency fc plus fm, so the bandwidth required by am is twice the frequency of the modulated signal। next aap dekh sakte hain, ye aapke paas lower sideband hai fc minus fm, this is upper sideband fc plus fm, और ये आपके पास कैरियर फ्रिक्वेंसी है। तो दीज ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग साइडवेंड कहते हैं, LSP और MSP। ये आप पास देख सकते हैं, ये आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको हम बेसबैंड सिग्नल भी कहते हैं और मैसेज सिग्नल भी कहते हैं। ये आपके पास कैरियर फ्रिक्वेंसी है और ये दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया इस मिक्सर के थ्रू, मल्टीप्लायर के थ्रू, तो
तो ये आपके पास हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो आप ये वाली जो हमारे पास वेव बन गई, दैट इज कॉल्ड एएम वेव्स। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉड्यूलेशन इंडेक्स, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, व्हाई इज इट कैप्ट लो और मैक्सिमम लिमिट 1, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर विच जस्टिफाई द नीड फॉर मॉड्यूलेटिंग ए लो फ्रिक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, म्यू, म्यू के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट म्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार आपको ये फॉर्मूला भी शो करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे म्यू को एम से शो करके दिखाया गया है, दैट इज ए एम अपॉन ए सी, ए एम माइनस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। आपके पास वी मैक्स माइनस वी मीन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मीन। तो आपके पास ये फार्मूला म्यू के लिए कैलकुलेट करना के लिए आपके पास फार्मूला है, दैट इज नॉन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। आपको बताना है मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। डीमॉड्यूलेशन को हम डिटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल ए मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन सर्किट। आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए और एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन के लिए, एएम के लिए मॉड्यूलेशन और एएम के लिए डीमॉड्यूलेशन, जो आपको ड्रॉ करके बताने हैं। और हर ब्लॉक का आपको सिग्निफिकेंस बताना है, क्या करता है वो, उसके फंक्शन बताने हैं और उसके आउटपुट ईच ब्लॉक्स के। जैसा कि आपके बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर आउटपुट पे हम लोग यूज़ करते हैं, बैंड पास फिल्टर जब हम ट्रांसमिट करते हैं तब हम बैंड पास फिल्टर यूज़ करते हैं, आपके पास रेक्टिफायर का, इन सब का जो ब्लॉक्स हैं जितने भी, उन सबको हमको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे फिर आपके पास एक क्वेश्चन उस म्यू निकालने पे के लिए वे आपके पास, तो इसमें आपके पास गिवन डाटा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वोल्टेज गिवन है और आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट इज म्यू की फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड बैंड दैट इज एफ सी प्लस एफ एम एंड एफ सी माइनस एफ एम। इस पे म्यू निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो म्यू आपको निकालने के लिए सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। सारे फॉर्मूले मीन्स म्यू, उसके जो डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वाई राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओवर ए एम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। हाउ वी कैन जनरेट साइड वेंट्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साइड वेंट। हम साइड वेंट्स कैसे जनरेट करते हैं ए एम मॉड्यूलेशन में और इसकी जो वैल्यू है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद आपको एन सी आर टी के सारे ही क्वेश्चन देखने हैं, बट 15.4 टू 15.7 ऑल क्वेश्चंस आपको करने हैं एज वेल एज ऑल सोल्ड एग्जाम्पल आपको करने हैं। और ये जो कुछ क्वेश्चन है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी एफ सी पे बेस्ड, वो आप देख सकते हैं, इनको भी आप कर लेना। एन सी आर टी के क्वेश्चन हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो मे बी पॉसिबल पूछा जा सके क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, तो आप इसे देख लेंगे। साथ ही और क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं, सीबीएसई में पूछे भी गए हैं 2009 में, तो ये क्वेश्चंस भी आप कर लेना। जहाँ पे आपके पास ये हाइट निकालने के लिए पूछी गई है रेशियो के फॉर्म में, और ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है रेंज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एम ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न सेटेलाइट कम्युनिकेशन। ये आपके एन सी आर टी बुक में भी है, तो ये आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेंगे। फ्रिक्वेंसी ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन, फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर टेलीविज़न, फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर स्टैंडर्ड एम ब्रॉडकास्ट, ये डायग्राम के साथ आपके एन सी आर टी की बुक में दे रखा है। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे चैप्टर 15 से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा आप एन सी आर टी के सोल्व एग्जाम्पल अनसोल्व एग्जाम्पल सारे कर लेने हैं। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर किसी को कोई
क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और मेरी ये कोशिश रहेगी हर क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करूं। सो आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।